लेट्स फर्स्ट चैप्टर सॉलिड्स के। आपने 11th क्लास में तो ऐसे भी स्टेट के बारे में पढ़ा ही होगा। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। तो लिक्विड और वेपर के बारे में इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव टू ऑलरेडी स्टडी देयर प्रॉपर्टी। हियर इन 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर इज अ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में अगर हमें फर्स्ट थिंग्स के सॉलिड स्टेट क्या है, फर्स्ट थिंग सॉलिड स्टेट देयर द टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड और ट्रू सॉलिड। एमरफोस सॉलिड इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द प्यूसोडो सॉलिड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एमरफोस सॉलिड्स एंड क्रिस्टल सॉलिड्स? बहुत नॉर्मली डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट, दे हैव द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो उसके जैसे जो भी पार्टिकल्स है तो लॉन्ग रेंज तक एक दूसरे से बाउंडेड रहेंगे, फर्स्ट। बट अगर एमॉर्फस में ऐसे देखते हो तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मींस जो एमॉर्फस सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही कम अटैचेबल होते हैं और ज्यादा बड़ा सॉलिड बना नहीं पाते। सेकंड थिंग, दे हैव द डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट। अगर सॉलिड क्रिस्टलाइन होगा तो कंपल्सरी जब आप उसको हीटिंग करोगे इन अ टेस्ट ट्यूब, वो कंप्लीटली उसका एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बीटा नेप्थल इज अ 49 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट टेम्परेचर, इज अ बीटा नेप्थल इन अ सॉलिड स्टेट। सेकंड थिंग, अगर एमरफस में अगर आप देखते हो तो दे डू नॉट हैव द डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट। एनिलिन फॉर एग्जाम्पल, उसका डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, आपको उसका मेल्टिंग पॉइंट रेंज में मिलेगा, 45 टू 49, 56 टू 59, दिस टाइप्स ऑफ रेंज एमरफस सॉलिड व्हेन हीटिंग द सॉलिड। थर्ड थिंग, दे हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीटिंग करोगे तो डेफिनेटली वो हीट कंज्यूम करके एक स्टेट पे वो डिफ्यूज हो जाएगा, बराबर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। बट एमॉर्फस में ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, दे डू नॉट हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। उसमें आपको डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। फोर थिंग, दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। तो अगर क्रिस्टलाइन होगा, मान लीजिए चौक है, क्रिस्टलाइन है, बराबर, अगर आप इसको दबाओगे तो ये दबेगा नहीं। मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आप उसको कितना भी कॉम्प्रेक्स करिए वो दबेगा नहीं। अगर मान लो रिजिडिटी, अगर आप उसको फेंकते हो, बराबर, तो उससे क्या होगा, उसका सरफेस दूसरे सरफेस के साथ रिजिड करेगा, लेकिन उससे वो ब्रेक हो सकता है, अलग अलग शेप में ब्रेक हो सकता है, लेकिन उसका पाउडर फॉर्म में नहीं होगा। फोर थिंग्स, अगर आप यही चीज एमॉर्फस में देखते हो तो दे डू नॉट गेट कॉम्प्रेस, आप उसको कॉम्प्रेस नहीं कर पाओगे, दबा नहीं पाओगे, और एनी एप्रेशिएबल एक्सटेंट, और आप कितना भी उस पर प्रेशर कर लो तो आप किसी चीज से कोई मैकेनिकल सिस्टम से आप उसको कॉम्प्रेस नहीं कर पाते। फिफ्थ थिंग, दे आर गिवन क्लेव, दैट मीन दे आर ब्रिक इन टू पीसेस विद द प्लेन फेस। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो उसको ब्रेक होते समय वो शार्प एजेस में आ जाएगा। बट अगर आप इसमें एमॉर्फस में देखते हो तो उसके शार्प एजेस आपको नहीं मिलेंगे, वो इनरेगुलर मिलेगा। तो सेकंड थिंग, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सिलिका एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सिलिका। सिलिका ऑकर्स इन अ क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमॉर्फस। सिलिका दोनों में आपको देखने के लिए मिलती है। सिलिका मीन्स मिट्टी,
जो आपको दोनों में देखने के लिए मिलेगी, क्रिस्टलाइन में भी और एमोरफस में भी। क्रिस्टलाइन का एग्जांपल है क्वार्टर्स। क्वार्टर्स इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सिलिका बिकॉज क्वार्टर्स आर ऑल्सो एमोरफस सिलिका। देयर आर द डिफरेंस। आप उसका डिफरेंस कैसे आपको पता चलेगा? क्वार्टर्स अगर देखते हो आप, दोनों में फॉर्मूला सेम ही मिलेगा, SiO4 SiO4, क्योंकि SiO2 जब बाउंडिंग होगा, बाउंडेड होगा, जो पार्टिकल से वो केमिकल बॉन्डिंग से बाउंडेड होता जाएगा, तो SiO4 जो फॉर्मूला फॉर्म होता है दोनों फॉर्म में, क्रिस्टल और एमोरफस में। तो क्रिस्टल में आपको शार्प एजेस, ऑल फोर कॉर्नर्स, SiO4 टेट्राहाइड्रॉन आर शेप बाय द अदर गिवन नेटवर्क सॉलिड। मतलब वो ऐसा नेटवर्क सॉलिड में आपको एक दूसरे से ज्वाइन एक नेटवर्क सॉलिड में होंगे, जबकि यहाँ पे रैंडमली सिलेक्शन होगा, एक के बाद एक, एक के बाद रैंडमली उसका सिलेक्शन होता जाएगा। लास्टली जब भी आप उसको मेल्ट करोगे तो 1710 डिग्री सेल्सियस को वो मेल्ट होगा। कौन? जो क्रिस्टलाइन क्वार्टेज है, जो क्रिस्टलाइन है उसका शार्प आपको मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, जबकि एमोरफस सिलिका में आपको शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा।